9 o'clock, Jay. देख चुका हूँ, किसी का इंतजार कर रही है. Sorry, honey, I'm late. Sorry. Damn it, look at her, Jay. भूल जा. कैसे? शराब. Perfect. Jessica, mm-hmm. send your finest bottle of Chardonnay to that Indian girl there. Sure. 200 पाउंड मुझे दे दे यार. पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? और वैसे भी वो किसी के साथ है? गोरे के साथ है. 2-3 महीने चलेगा मैक्स. उसके माँ बाप को जैसे ही पता चलेगा उसकी शादी किसी बोरिंग माइक्रोसॉफ्ट टेकी टाइप के साथ करवा देंगे, जिसके पास पैसे ज्यादा है और बाल कम. थिंक ऑफ इट जे, अगर मैं उसके पास नहीं गया तो उसे कैसे पता चलेगा कि भगवान ने उसके लिए क्या भेजा है? आई एम द टोटल पैकेज जे. सॉरी सुपरमैन, योर बॉटल गॉट टर्न्ड डाउन. व्हाट? योर पैकेज गॉट रिजेक्टेड. वैसे निक, तू सही कह रहा है. उससे कैसे पता चलेगा कि भगवान ने उसके लिए क्या भेजा है? अरे सोच क्या रहा है? उस लड़की का फ्यूचर तेरे हाथ में है. गो गेट आउट, गो. और सुन, खाली हाथ मत लौटना. अगर सारा टाइम अपने भाई के साथ बिताओगी तो बाकी लड़कों को चांस कैसे मिलेगा? Excuse me? Do you know him? No. वही तो चेंज करने आया हूँ. बस इतना बता दो, क्या तुम इससे शादी करने वाली हो? Please leave us alone. अगर तुम इससे शादी नहीं करने वाली हो, then let me take you out for dinner tomorrow night. That's it. Right. मैं 6 फुट का हूँ, तुम 5 फुट 8 इंच की लगती हो. We look great together. I don't believe this guy. Tell him to stop speaking in Hindi. Brian, that's शादी के बाद हैम्स्टर में एक घर, 2 गाड़ियाँ, 2 बच्चे और 1 डॉगी. पाव पाव, the perfect life. कितनी लड़कियों पे ये स्टंट ट्राई कर चुके हो? Are you flirting with him? Honestly, मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ. ऐसा पागलपन किसी ने इंस्पायर नहीं किया. तो पहले What's wrong with me? What's wrong with you? What are you doing to the poor guy? He's bleeding. Hey. Radhika, whose side are you on? You know, you're a bitch. Izzat se baat kar. Meri bhabhi hai ye. Losers. Ek din kya solid flashback banega ye. बहुत पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशंस हैं। निक, आई थिंक हमें इनकी बुकिंग्स जल्दी कर लेनी चाहिए वरना टिकट्स नहीं मिलेंगी। लुक। इसे कैसे बताओ कि नॉर्वे तो दूर, मेरे पास सबवे में भी जाने के पैसे नहीं है. तू बस इशारा कर, मैं किसी गली में इसके हाथ से अंगूठी चुरा लूंगा. पीपल गेट मग्ड ऑल द टाइम. निक, ये गाउन परफेक्ट है ना? प्राइस टैग ज्यादा सुंदर है ना? इट्स अ वैलेंटिनो, मेरा फेवरेट डिजाइनर. अंगूठी चुराते वक्त प्रॉमिस कर कि इसे चोट नहीं लगेगी. कोशिश कर सकता हूँ, प्रॉमिस नहीं कर सकता. फॉरगेट इट, मैं ही कुछ रह करता हूँ. राज, हम लाइली वही कर रहे हैं जो सब करते हैं. मतलब एक फेक ओवर द टॉप शादी और फिर एक फेरी टेल हनीमून. ये चीजें लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी अजीब कर देती है कि रियल लाइफ जस्ट कांट मैच अप. इसीलिए तो शादियां टूटती हैं. और ये लगा निक माथुर के बैट से एक छक्का. बेटा, क्रीज से निकल के बैटिंग मत कर, आउट हो जाएगा. आई एग्री. किसी 5-स्टार होटल में रिसेप्शन और फिर उन स्टुपिड थ्रोन्स पर बैठकर घंटों तक हम स्माइल करते रहेंगे. यस. एंड राधिका, तुम्हारे डैड जो गाड़ी के पीछे पागलों की तरह रोते रोते भागेंगे और बोलेंगे हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी. वो थैंक गॉड, I can actually see that. Raj, भाग के शादी कर ले. I love it. I love you. I love you too. Okay, so एक छोटी सेरेमनी. Superb. और फिर एक लंबा एक्सोटिक हनीमून. सिर्फ तुम और मैं, अकेले, for a change. और फिर वापस आते ही मैं पूरा घर रीडेकोरेट करूंगी. वहां पे फ्रेंच विंडोज, उस तरफ बाग, ऊपर तुम्हारी स्टडी और एक किंग साइज मास्टर बेडरूम. Life's just gonna be perfect.
इस बेचारी को क्या पता कि हमारा अपार्टमेंट वैसे भी रीडेकोरेट होने वाला है। 30 मिनट में डिलीवरी नहीं तो फ्री। That's 20 quid for the pizza, right? ये मुझे पिज्जा डिलीवरी बॉय समझने के लिए और ये मुझसे मेरी बेटी चुराने के लिए। हमें देखकर सरप्राइज नहीं हो? शॉक्ड है। कम ऑन, हमें अपने गेस्टों से मिलवाओ एंड कीप द चेंज सिली बॉय। मुझे नहीं पता था देयर इज अ पार्टी हियर। और ये लोग कौन है? I've never met them before. नहीं, कुछ नए कलीग्स हैं राज, सोचा घर पे मिलेंगे, they'll get to know each other. Well done. Huh? नए कलीग्स के साथ साथ नया ऑफिस भी दिखा दे। मैं राधिका को संभालता हूँ, तू उसके डैड को संभाल। डैडी, डैडी। Relax. You're like super tense. I'm a little ticklish, so stop it, please, please, please. Can they be stressed out like this? No way. Okay. Uncle. This is Jerry, Nick's friend, best friend. Suresh Awasthi, nice to meet you. Radhika akshar tumhare baare mein baat karti hai. Wake me up before you go, go. No, not now. Continue your priceless, come on. Actually, it's 200 pounds an hour. Kya? Kya kehti hai Radhika ji mere baare mein? Radhika kehti hai ki tum ek number ke bakwas, behuda, badtameez, a little lower please. Jahil kisam ke insaan ho. Waise mujhe tumhare jaise log bahut pasand hai. Thank you, uncle. वैसे एक बात कहूं, आपकी बेटी राधिका आपके जैसे बिल्कुल नहीं। बेटा, भगवान ने राधिका को शक्ल जरूर मेरे जैसे दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्ल उसकी माँ जैसे दी है। चेरी, हॉप ऑन, लेट्स गो फॉर द राइड ऑफ हर लाइफ, कम ऑन। ओके चेरी, यू डोंट लुक सो हैवी, हां, बिकॉज़ इट्स नॉट चेरी, इट्स जेरी। जेरी, हियर सर, ड्रिंक। थैंक यू। यू नो व्हाट, निक हैज द फाइनेस्ट बॉडी एट वर्क। एक्सक्यूज मी, finest body of work, Rads. मेरी क्लाइंट्स के लिए बहुत ही इंप्रेसिव है। They just love him. तुम इतना मॉडेस्ट मत बनो, निक। अच्छा, और तुम क्या करती हो? अबे, इंट्रोड्यूस करना भूल गया। राधिका मेरी गर्लफ्रेंड है। फियांसे। फियांसे? बहुत दिल तोड़ने वाले हो निक। मेरे सामने तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी। लड़कियां मरती है मुझ पे। जेलस? अगर मर ही रही है तो प्रॉब्लम नहीं है ना? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे बेटा, चिल्ला क्यों रही हूँ? मैं यहाँ हूँ, बीआर पी ने आया था इसके साथ। डैड, आप पुलिस को फोन करिए, ये हमारी प्रॉपर्टी पे इलीगली ट्रेसपास कर रहा है। ये हमारा पार्किंग स्पॉट है डैड। आप बोल रहे हो कि मैं बोलूं? मैं बोलता हूं बेटा, आज सुबह मैंने इसको पार्किंग स्पॉट बेच दिया। राज, डैड को पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने फुबू को भी खरीद लिया। फुबू? फुबू? माय बेबी? वो तुम्हारी तरह नहीं है, एक बार जो इसे कमिटमेंट दे दी तो ये खुद की भी नहीं सुनता। बेटा, इसने ड्रॉइंग रूम को अपना बाथरूम बना दिया और बाथरूम को अपना बेडरूम। डिस्गस्टिंग फेलो। आप इसकी मदद कर रहे हो? अनबिलीवेबल डैड। राज, बेटा रिसेशन में इंसान से गलती हो जाती है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने पार्किंग स्पॉट भेजा और इसने अपने कपड़े उतार दिए। सिली बॉय। निक, लगता है आज रात को मुझे तुम्हारे साथ यही सोना पड़ेगा। अंकल, नो, डोंट गेट एम्बिशियस, कम ऑन, गेट इन। यू नो, आई डोंट ब्लेम यू फॉर बीइंग नर्वस, मैं भी ब्लाइंड डेट पे कभी नहीं गई। नहीं, वो बात नहीं है, ब्लाइंड डेट्स तो मेरी यूएसपी है, बट लास्ट टाइम जिसके साथ मैं डेट पे गया था, उसका ओवर पजेसिव वायलेंट एक्स बॉयफ्रेंड वहां आ गया, उसने मुझे। हे अल्लाह के, चलो लुक। कौन सा स्टफ टॉय चाहिए तुम्हें? कुंग फू पैंडा। और ये तुम्हारे लिए। स्टफ टॉयज को नहीं मानना है, कैंस को मानना है। गन प्लीज, लेट्स गो। हेरो, ये मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं वो पैंडा जीत के रहूंगा। वाओ, आई एम अजय बापट। मैं राधिका से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। अब फैसला तुझे करना है, क्या तू अपनी जान दे सकता है? ये कौन है? अजय, एक्स बॉयफ्रेंड अजय, मेरा डेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
राधिका, आई थिंक हमें चलना चाहिए। कौन सा स्टफ चाहिए तुम्हें? विनी द पू। वेल डन बेबी। बस तुम्हारा चेहरा इमेजिन कर रही थी। लेट्स गो। लेट्स गो। और तुम तो वैसे भी मेरे लीग से बाहर हो, मुझे लगा कि तुम्हें मेरा नाम भी नहीं याद होगा। डोंट बी सिली विजय। इट्स अजय। ओह, वो यहाँ तो नहीं आएगा ना? कौन? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। निक, तुम उस इडियट की चिंता मत करो। ओके। He's yesterday's news. तुम मेरे फ्यूचर हो डार्लिंग। And you smell wonderful. That sounds nice. So tomorrow maybe. मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ। उड़ो। आसमान को छूना चाहती हूँ। ओ छूओ। जहाँ कोई हमें नहीं रोक सकता। ओ कोई नहीं। So take me. Yeah. Take me higher, Ajay. Yeah. Higher. Yeah. Higher. 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 What? Hi Nick. अंदर चले। अंदर? हाँ। डेट तो अभी शुरू हुई है ना? हाँ। चलो। ठहरो राधिका, शादी से पहले मैं हमें कोई गलत कदम नहीं उठाने दूंगा। चुपचाप वहां जाके बैठो। हाँ? What the? One, two, three. मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आसमान में आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ। So take me higher, Ajay. Higher, higher, Ajay. Higher. Rads, मैं तुम्हें 3 साल से जानता हूँ। I know when you're faking it. You know what? You're right. मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे इन चीजों में एक्सपीरियंस नहीं है। मैं मदद करूँ रैड्स? Don't call me Rads. ये, सिर्फ मैं इसे रैड्स बुलाता हूँ। तेरा बहुत हो गया साले, और एक हाथ की पड़ेगी ना तेरे नागपाड़ी से गंगा जमुना बहने लगेगा। हाँ हाँ, तेरे पास बॉडी होगा लेकिन मेरे पास जिगर है। जिगर। विजय, आई थिंक यू शुड लीव। अजय, जो भी है निकलो। बट आई बियर पिएगा? नहीं, आई एम स्ट्रिक्टली वेज। तो फिर ऑमलेट खिलाता हूँ, चल। नहीं, पर मेरी स्कूटर उधर पार्क्ड है। स्कूटर से काम नहीं चलेगा, राधिका बहुत हाई मेंटेनेंस। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है कोई। राज, राज, मैं 3 महीनों से तुमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। Tell me, how can I make this better, Raj? ठीक है, तो कल शाम को एक होटल रूम में आना जहाँ पे 50 आदमी एक लड़की के ऊपर पैसे फेंक रहे होंगे, और वो लड़की मैं होंगी। और जिस दिन तुम उस तस्वीर को अपने दिल से निकाल पाओगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। राज, तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि ये कदम मुझे क्यों उठाना पड़ा? उससे क्या जस्टिफाई होगा निक? तुमने कभी सोचा है कि 3 साल से हमारी जिंदगी तुम्हारी परफेक्ट वेडिंग, परफेक्ट गाउन और पिक्चर परफेक्ट हनीमून के चारों तरफ घूम रही थी, जिसमें तुम्हारा लेस देन परफेक्ट बॉयफ्रेंड बिल्स पे कर रहा था, और जब जेरी को मेरी मदद की जरूरत थी? ऑफ कोर्स, जेरी का आइडिया था। वेक अप राधिका, आज वीर एक फॉस्टर होम में, और सच तो यह है कि जेरी के लिए मैं एक नहीं 100 बार मेल एस्कॉर्ट बनने को तैयार हूं। राधिका अवस्थी, लोग चिकन रोल पे सारी जिंदगी जी सकते हैं। अब तू रोज सूट पहन के काम पे जाएगा, तू रहने देगा, और मैं घर पे बैठ के वीर के साथ प्लेस्टेशन खेलूंगा। लेकिन वीर अभी तक घर नहीं आया। कम ऑन जे, डिग्री मिल गई, नौकरी मिल गई, और एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर तुझमें मरती है यार। कोर्ट में तू जज को भी कॉम्प्लेक्स देगा यार। 3 o'clock. तू इस वक्त भी लड़कियों को ताड़ रहा है? देख ले, बिल्कुल तेरे टाइप की है। चार महीने के बाद अब क्या कहने आई है? तो मैं उसे बोल दूं तू इंटरेस्टेड नहीं है? तू उसे क्या बोलना चाहता है? मैं उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके। जेरी, यू आर लेट। तुमने मुझे 7 बजे का टाइम दिया था। कितनी पी रखी है तुमने? कौन कंपक बर्दाश्त करने को पीता?
हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सके, निक को देख सके और तुम्हें बर्दाश्त कर सके। अपनी ये रामलीला बंद करो, मर रहा है तुमसे मिलने के लिए वो। Really? मैंने सारी सेटिंग कर दी है, तुम सिर्फ अपने डिंपल्स दिखाओ, बाल बाल यू हिलाओ, पिघल जाएगा वो, समझी? और वैसे भी वो किसी लड़की को नहीं देखता। Open wide. मगर लड़कियां तो उसकी तरफ देख सकती हैं। Damn, she's hot man. Your time starts now. अगर तुम इसे शादी नहीं करने वाले हो तो कल डिनर पे चलें। Do you know her? No. मैं 5'7" की हूँ, तुम 6 फुट के लगते हो। We look fabulous together. Would you please leave us alone? शादी के बाद हैम्पस्टेड में घर, 2 गाड़ियाँ, 2 बच्चे, 1 डॉगी, the perfect life. What is your problem? एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना, तेरे प्लास्टिक सर्जन को भी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। बस ऑफ। ब्रावो, भारतीय नारी। Crazy woman. निक, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मेरे पास ना पैसे हैं, ना नौकरी है, ना घर। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। निक, मैं चिकन रोल पे अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ, पर अकेले खाने में कोई मजा नहीं है। ठीक है, पहले नौकरी फिर शादी। Done. No honeymoon. No honeymoon. जब तक घर नहीं मिले तब तक मेरे ट्रेलर में रहेंगे। Now you're pushing it, huh? मेरे जेब में इतने पैसे नहीं है जो तुम्हें रोज खिलाओ। आती है तो आ जा, नहीं तो बोल ब्लॉन्ड को पटाओ। ए, इतना फुटेज मत खा, ना नौकरी ना पैसे ना घर, आइटम तो है ना। अबे सस्ते में पट रही है, हाँ बोल दे। तू ये कह रहा है? बोल हाँ उसको। तुम ये हमेशा अपने साथ रखते हो। आज घर से लेकर निकला था बेचने के लिए और तुम मिल गई। ये दोनों ने तो रुला दिया मुझे। I can't handle so much happiness.